गुड आफ्टरनून आप सभी को। और अभी देखो 1:15 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर इंताज के बुक लेकर। ज्यादा लोग नहीं है, हम हैं, इंताज है और सोनू है। बहुत ज्यादा धूप हुई है, 3-4 दिन से तो इतनी खतरनाक धूप हो रही है। देखो हमें वेट कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इंताज से यार। डेढ़ बजे आए थे हॉस्पिटल में, अभी टाइम हो रहा है 5, इलाज हो गया। कुछ दवाएं थी वो पुरानी दवाएं चेंज हुई हैं और नए सिरे से नई दवा चल रही है। दवा हो गई, अभी चल रहे हैं, निकल रहे हैं घर के लिए। तो घर आते आते 7 बज गया। वो ये जा रहे हैं बाबा के लड़के उमा, हाथ में देख रहे हो हथियार है, बहुत डेंजरस आदमी है, किसी को भी मार देते हैं। इसलिए जब इनके हाथ में कुछ रहता है ना कोई मजाक नहीं करता है, बहुत काम करते हैं। धूप उप से मतलब नहीं है। वो अभी 44 के आसपास टेम्परेचर है, उसी में ये घास काट कर ले जा रहे हैं। ये देखो यहाँ की खेती देख रही है, और ये पाकड़ का पेड़। जब धूप जैसे जैसे उधर आती है तो हम लोग और खेत में चले जाते हैं, बैठते हैं। देखे होंगे आप वीडियो में, मक्के के बीच में बैठे थे। घर में राहत नहीं मिलती है, छत जो है वो पूरी गर्म हो जाती है, तो पंखे से हवा भी गर्म ही आती है। The next day. अभी गांव में एक थोड़ी छोटी सी लड़ाई हुई थी, उसी में एक लड़का था हम लोग के साथ, मतलब वहाँ के बस खड़ा हो गया था, तो पुलिस वाले आए, हम लोग मतलब बोले चलो थाने पे, तुम भी साथ में ही थे। अभी देखो थाने से जा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है, बोले जाओ ठीक है सर, बता दिए सर हम लोग। वो लड़का लड़ाई किया, उसके संपर्क में कभी नहीं थे, अगर कोई बोल देगा कि थे तो सर हम जीवन भर जेल में रहेंगे। बोले ठीक है सर, अगर तुम इतना जने खड़ा हुआ हो। ये हमारे स्वागत में वालों लोग का The next day. इधर आज पहली बार बारिश हो रहा है, बारिश हुआ है, मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है, यही वातावरण हम लोग को भाता है, हर लोग को भी भाता है कि नहीं भाई? राम जी आपका ठीक, बारिश हुई है देखो। इसी पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे पिच बनाते थे हम लोग खेलने के लिए। एक महीने से माटी उठ रहा है, अभी पूरा उठा भी नहीं है। और देखो अब धान की रोपनी सीजन आ गया, लेकिन अभी तक ये खेत कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक बारिश हुआ है, मौसम भी ठंडा हो गया, तो आज हम लोग सोच रहे हैं कहीं घूमने जाने के लिए। अमवा खाए कुसमी चले कहा है, कुसमी चले यही बता रहे थे। देखो यहाँ पे हम लोग पहले मैच खेलते थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। और देखो हमारे यहाँ धड़ल्ले से मिट्टी बिक रही है, अब पीछे वहाँ पे मझन नाला है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा अगर बाढ़ आती है तो ये जो कूड़ेदान बना है इसके उधर तक आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग मिट्टी अब बेच रहे हैं, हमें तो लग रहा है आने वाले 5-10 सालों में यहाँ तक आ जाएगा पानी, तो मिट्टी पे रोक नहीं लग रहा है। देखो अभी कितना 3 फुट के आसपास भेज दिए हैं मिट्टी, अब पानी अभी से लगना शुरू हो गया। इंताज के घर के लिए बहुत दिक्कत हो गई है, और देखो कल के कांड के लिए ये लोग जुटे हैं, बात हो रहा है। क्या बतिया तो लग रहे सर इतना तो कल हमारे गांव में बहुत बड़ा कांड हो गया। कल एक गांव का ही लड़का था, मतलब गांव में रहता नहीं है, तो वही चौराहे पे जाके एक लड़के को मार दिया था। उसके बाद पुलिस वगैरह आए थे, तो उसकी एक बाइक थी, तो वही जा रहे थे खींच के। तो हम लोग जब ये सुने तो सोचे चलो देखते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे गए देखने के लिए, उसके बाद जब गाँव आ रहे थे तो वो लड़का जो था रास्ते में मिल गया, तो वो बताने लगा ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद पुलिस जैसे ही हम लोग से बात कर रहा था वैसे ही पुलिस आ गई। अब उसके बाद वहाँ से वो भागने लगा, पुलिस को लगा कि हम लोग भी उसके साथ ही हैं। तब उसके बाद बोल रहे थे पुलिस चलो तुम लोग गुंडा बन रहे हो चलो थाने पे चलो, लेकर जाने लगे। हम लोग उन्हें बताया भी कि सर हम लोग उसके साथ कभी नहीं है, जो लड़का केस किया उसी से पूछ लीजिए, अगर हम लोग का थोड़ा भी नाम हो तो फिर जो मर्जी आप कर लीजिए। तो वही लेकर थाने पे चले गए, फिर कुछ किए नहीं, आराम से छोड़ दिए। यही बोल रहे थे चलो थाने पे, बोले नहीं सर रास्ते में ही छोड़ दीजिए, घर पर बहुत मार खाएंगे हम लोग। तो बोल रहे थे मार खाओगे तभी तो डरोगे, तभी तो घूमोगे नहीं ना। फोन वोन हमारा पहले ही जमा कर लिए थे, जैसे ही थाने पे पहुंचे फोन दे दिए और बोले ठीक है पहले घर फोन कर लो बता दो उनको। वही तो रात को हम लोग आ रहे थे, पूरा एकदम जब आए तो देखे एकदम जामुन के पेड़ के पास पूरा भीड़ हुजूम जमा था, कि गाँव वालों को लग रहा था अब तो पैसे लगेंगे। पुलिस की एक छवि बनी हुई है ना कि जब भी किसी को किसी तरह भी उठाए तो पैसा तो लेंगे ही, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ बोले, चले आए। घर आए तो कुछ बोले वोले नहीं, माँ भी कुछ बोली नहीं, बोली अब घूमना मत किसी के साथ, ठीक है नहीं घूमेंगे अब। देखो वही ये सब यहाँ पे बात हो रही है,
कौन से मरले वाले बताइए? कहना से मरले वाले सर, तुम कौन से मरले? गांव में बहुत कुछ बा।